हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो वाई वन एस की। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ नया इस डिवाइस में। तो यहाँ पर आपको जियो एक्सक्लूसिव और वीवो का कोलोब्रेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर है वाई वन एस, नीचे यहाँ पर है वाई, पीछे की तरफ कुछ हाईलाइट्स मेंशन है जहाँ पर लिखा हुआ है मेक इन इंडिया, 15.79 सेंटीमीटर होल फुल व्यू डिस्प्ले, 4030 mAh बैटरी एंड एंड्रॉयड 10। तो खोलते हैं बॉक्स को। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग वाला एक सेक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर है एक सॉफ्ट सिलिकॉन केस, कुछ पेपर वर्क और सिम इंजेक्टर टूल इसमें नहीं है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से इसमें कवर दिया है, वो भी काफी अच्छी बात है। उसके साथ यहाँ पर है एमई स्टिकर्स, यहाँ पर रखा हुआ है हमारा मेन डिवाइस जिसको अभी फिलहाल रखते हैं साइड में। बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको एक 5 वोल्ट आउटपुट वाला ट्रैवल एडेप्टर देखने के लिए मिलता है, और उसके साथ यहाँ पर है एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट वाला चार्जिंग केबल। तो रखते हैं इन सभी चीजों को साइड में और चलते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा मेन डिवाइस, तो जल्दी से हटाते हैं इसके ऊपर के रैपर को। तो पीछे की तरफ नीचे यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रीन और ऊपर की तरफ जाते हुए ब्लैक कलर होते हुए दिख रहा है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक सिंगल कैमरा देखने के लिए मिलता है जो कि है 13 मेगापिक्सल का, जो कि मेन कैमरा है। उसके नीचे यहाँ पर है एलईडी फ्लैश और यहाँ पर है वीवो की। बाकी अगर बात करें यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर 6.22 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर आपको फ्रंट में एक वाटरड्रॉप नोच के साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो इसके अंदर आपको सिस्टम मैनेजमेंट एंड्रॉयड 10 के साथ फ्रंट टच ओएस 10.5 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर बात करें नोटिफिकेशन पैनल के ऑप्शंस की, तो इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। बात करें अगर इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो T35 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, और उसी के साथ यहाँ पर है 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि एक्सपेंडेबल है 256GB तक। बाकी अगर बात करें इसके ओवरऑल व्यू के बारे में, तो नीचे की तरफ यहाँ पर है 3.5mm जैक, उसी के ही साइड में है प्राइमरी माइक, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल, और इस तरफ में है पावर ऑफ बटन एंड वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की तरफ बिल्कुल प्लेन है। इस तरफ में यहाँ पर है सिम ट्रे, जहाँ पर आप 2 सिम प्लस मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। इसमें आपको फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको फेस अनलॉक मिलता है जो कि काफी पावरफुल है। बाकी अगर बात करें इसके कैमरा मोड्स के बारे में, तो वहां पर आपको फोटोज, ब्यूटी, फोटोज के अंदर आपको बोके और उसके साथ वीडियो और टाइम लैप्स, ये सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। और इसके साथ ऐड कर रहा हूँ कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने इसी फोन के कैमरा से क्लिक किए हैं। इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, फिर भी कलर काफी ब्राइट है और कॉन्ट्रास्ट भी काफी सही बना है। बाकी अगर बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो ये आपको 7,999 रुपीज में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।